चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर को हम लोग समरी को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देंगे। देखो, जिस टाइप से मैं इस इंग्लिश का चैप्टर्स का समरी पढ़ाने वाला हूँ वो आपको सिंपली याद हो जाएगा, उसका हिंदी विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, विस्तार से जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और देखो, यहाँ से करीबन 4-5 ऑब्जेक्टिव आते हैं और ये 8 नंबरिया में या 5 नंबरिया में आपका समरी लिखने के लिए पूछता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक महात्मा गांधी है, इसको आखिर कैसा लिखना है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसी कारण से लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथुराम गोडसे ने इनको गोली मार के मार दिया था, ठीक है ना। तो ये सब आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। और देखो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, ये किताब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। पूछेगा एग्जाम में, कई बार पूछा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ के लेखक कौन है। पूछेगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ इज रिटन बाई डॉट, महात्मा गांधी, याद रखने वाली चीजें ये सब, ठीक है ना। देखो, हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है एमके गांधी। एमके गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी मतलब शॉर्ट में इनको महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। देखो, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के 4 संतान, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कितने संतान? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये सब चीज नहीं आते। चलो हम लोग चैप्टर्स का समरी देखो। ये आप देखो, ये चैप्टर जो है ना इंडियन इन कल्चर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसका समरी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। एक भी वर्ड मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, दिमाग में पूरा का पूरा आपको ये चीज ढूक जाएगा, 100% गारंटी लेकर चलते हैं। देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक महात्मा गांधी है, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझिएगा ध्यान से, पहले पढ़ने भी आनी चाहिए आपको इंग्लिश। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इंपॉर्टेंट इसे रिटेन बाय महात्मा गांधी, समझो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इंपॉर्टेंट इसे रिटेन बाई महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया का मतलब भारत, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, एंड का मतलब और कल्चर का मतलब संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जो चैप्टर्स का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी होगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ना, ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी द्वारा रिटेन मतलब लिखित एन इंपॉर्टेंट इसे, एक महत्वपूर्ण निबंध है। इंग्लिश में इधर उधर सजाई जाती है, वर्ड मीनिंग लाइन से समझो। देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इंपॉर्टेंट इसे रिटेन बाई महात्मा गांधी, कहने का मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। रिटेन का मतलब लिखित, इसे का मतलब निबंध होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखित जो है ना, एक महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गई होगी। आगे लिखा है, इन दिस इसे गांधी जी डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यहां तक समझो, डॉट लगा होगा वहां तक रुक जाना है। समझो एक चीज ध्यान से, एक ही चीज समझो, देखो इन दिस इसे, दिस का मतलब या इसे का मतलब निबंध, यानी इस निबंध में इसको बोल सकते हैं। इन दिस इसे का मतलब इस निबंध में, ध्यान से समझना, इन दिस इसे गांधी जी डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इसका मतलब हो गया कि इस निबंध में गांधी जी, ध्यान देना, इस निबंध में गांधी जी भारतीय सभ्यता के इंपॉर्टेंस मतलब महत्व का वर्णन करता है। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, चाहे व्याख्यान करना या श्रेष्ठ दिखाना, यह होता है, ठीक है ना। तो बाबू समझो कि ये जो निबंध आपको पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दिस इसे, मतलब इस निबंध में गांधी जी क्या कहते हैं कि भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण डिस्क्राइब वर्णन करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। आगे ही देखो, ही प्रेसेस है, ही प्रेसेस आवर एंशियंट सिविलाइजेशन एंड सेज डेट नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड विथ आवर सिविलाइजेशन। ये चीज समझो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। देखो, लिखा हुआ है कि यहां पर देखो, समझिएगा ध्यान से, ही प्रेस्ट, प्रेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, साहस देना, प्रशंसा ही करना लेकर चलिए, ठीक है ना। ही प्रेस्ट आवर एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, आवर का मतलब हमारा, से का मतलब कहना, नो का मतलब नहीं, अदर का मतलब कोई अन्य हो सकता है, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, वर्ल्ड का मतलब विश्व होगा, कैन का मतलब सकना, कंपेयर्ड का मतलब तुलना, विथ का मतलब साथ, आवर का मतलब हमारा, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। एक ही का वर्ड मीनिंग जानिएगा ना, हिंदी आपको खुद ब खुद करने जाएगा। देखो क्या लिखा, ही प्रेस्ड आवर सिविलाइजेशन, ही प्रेस्ड आवर एंशियंट सिविलाइजेशन एंड सेज डेट नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड विथ आवर सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा, समझो, एक हिंदी समझा रहा हूं। देखो, इसका मतलब होगा कि वह, चाहे यह बोलिए, यह वह बोल सकते हैं, वह प्राचीन सभ्यता, एंशियंट सिविलाइजेशन
मतलब प्राचीन सभ्यता, वह जो है ना हमारी प्राचीन सभ्यता का वर्णन करते हैं चाहे प्रशंसा करते हैं। कौन? महात्मा गांधी प्रशंसा करते हैं। एंड सेज, और सेज का मतलब कहना, और कहते हैं ध्यान दे, क्या कहते हैं, और कहते हैं कि विश्व की अन्य जो सभ्यताएं हैं, विश्व की अन्य कोई भी सभ्यता है हमारी सभ्यता का कंपेयर तुलना नहीं कर सकती है। यानी महात्मा गांधी अपनी सभ्यता को ऊंचा दिखाए हैं, बड़ा बताएं कि हमारी रियलिटी है, हमारी भारत की जैसे रीति रिवाज रही है वो किसी अन्य देश की रीति रिवाज कदापि नहीं हो सकती है। हमारे देश की जो सभ्यताएं रही है वो किसी अन्य देश की सभ्यता कभी हो ही नहीं सकता। वही कहते हैं महात्मा गांधी, कहते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता की वह अपनी प्राचीन सभ्यता की प्रशंसा करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। यानी ही प्रेस्ड, ही प्रेस्ड का मतलब प्रशंसा करना, ही प्रेस्ड आवर एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी वह अपनी प्राचीन सभ्यता का प्रशंसा करते हैं। एंड सेज डेट नो अदर का मतलब कोई नहीं, ठीक है, नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब, और कहते हैं, से का मतलब कहना, और कहते हैं कि विश्व की सभ्यता है, नो अदर मतलब विश्व की कोई अन्य सभ्यता है, चाहे कोई सभ्यता ये भी बोल सकते हैं, विश्व की कोई अन्य सभ्यता है आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता का जो है ना तुलना नहीं कर सकती। कर सकती क्यों आ रहा है? क्योंकि कहने का पड़े हुआ है, यानी कहने का मतलब है ही प्रेस्ड, यानी आवर एंशियंट सिविलाइजेशन हमारी प्राचीन सभ्यता महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारी अपनी प्राचीन सभ्यता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो हमारी सभ्यता का इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना कर सके, जा सके। यहां तक मेरे अनुमान से आपको समझ में आ गई होगी। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट। इस चीज को समझो, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट, यानी अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार होता है, यानी गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, वे का मतलब तरीका, कंडक्ट का मतलब आचरण होता है, करेक्टर होता है, इसको बोल सकते हैं करेक्टर का ही रूप बनता है। यानी सभ्यता जो है ना एक आचरण का तरीका है, यानी सभ्यता हमें क्या सिखाती है, आचरण बनाना सिखाती है। वही गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट, यानी सिविलाइजेशन यानी गांधी जी के अनुसार सभ्यता हमें एक आचरण का तरीका प्रदान करती है। इट गाइड्स अस टू डू आवर ड्यूटी, क्या ना, इट गाइड्स अस टू डू आवर ड्यूटी, इसका मतलब है कि यह हमारे कर्तव्य, ड्यूटी का मतलब कर्म या कर्तव्य, यानी यह जो है ना हमें कर्तव्य करने का मार्गदर्शन दिखाती है। क्या करती है यह जो है हमें कर्तव्य करने का क्या करती है, मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करती है। ठीक है बाबू, इतनी समझ मांगी सभी को। अब देखो यहां देखिए, हम लोग यहां तक समझ लेके, इट गाइड्स अस टू डू आवर ड्यूटी, यानी यह जो है ना हमारे कर्तव्य को करने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। आगे लिखा है इट ऑल्सो टीचेस अस, ध्यान दो यहां पर क्या लिखा है, इट ऑल्सो लिखा हुआ कि इट ऑल्सो टीचेस अस द लेसन ऑफ मोरालिटी, इसका मतलब है कि यह जो है ना मोरालिटी का मतलब नैतिकता होता है, यानी नैतिकता का पाठ सिखाना भी जानती है, चाहे सिखाने का भी काम करती है, यानी ऑल्सो का मतलब भी होता है। तो वही लिखा हुआ कि इट ऑल्सो टीचेस अस द लेसन ऑफ मोरालिटी, इसका मतलब है कि यह नैतिकता का पाठ, लेसन का मतलब पाठ होता है, यानी यह नैतिकता का पाठ पढ़ाने का या सिखाने का भी काम करती है। ठीक है, इतने आपको समझ। आगे लिखा है इफ रेफर्स, अभी देखो यहाँ पर एक ही चीज की मैं चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपको विस्तार से समझ में आए, थोड़ा सा मैं स्पीड में समझाना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इफ रेफर्स टू गुड कंडक्ट एंड स्ट्रेस आवर मोरल कैरेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है ना यह अच्छे आचरण और नैतिक आचरण पर क्या करती है, जोर डालती है। स्ट्रेस का मतलब होता है जोड़, है स्ट्रेस में है मतलब तनाव में है, जोर डालने का काम, यानी हमारी जो सभ्यता है ना गुड कंडक्ट यानी अच्छे आचरण और स्ट्रेस आवर मोरल कैरेक्टर, मोरल कैरेक्टर का मतलब हमारी नैतिक चरित्र पर, नैतिक आचरण पर क्या करती है, स्ट्रेस डालने का काम करती है, जोर डालने का काम करती है। फिर आगे लिखा हुआ है आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब क्या समझिए, आवर सिविलाइजेशन मतलब हमारी जो सभ्यता है, यानी हमारी जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन और मजबूत सभ्यता है, इसको समझिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कहने का इतना मतलब है कि जो आवर सिविलाइजेशन मतलब हमारी जो सभ्यता है वो विश्व
विश्व की सभी सभ्यताओं में मोस्ट एंशियंट, सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत है, ठीक है ना, इतनी समझ में आ गई हुई। आगे लिखा है कि मेनी सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड बॉर्न एंड वेस्टेड, यानी मेनी का मतलब बहुत सारे, यानी बहुत सारे सभ्यताएं जन्म ली, किसमें, विश्व में, लिखा ना कि इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं जन्म ली, बॉर्न का मतलब जन्म लेना, वेस्टेड का मतलब बर्बाद होना, यानी विश्व की बहुत सारी सभ्यताएं जन्म ली और फिर क्या हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। द चेंज ऑफ टाइम, इसका मतलब चेंज का मतलब बदलना, और चेंज ऑफ टाइम का मतलब बदलते समय में, यानी बदलते समय में क्या हो गया, बदल गया, यानी विश्व की ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं रही जो समय के अनुसार बदलते चली गई। बट आवर सिविलाइजेशन हैज रिमेंडेड अनचेंज, लेकिन हमारी जो सभ्यता रही वो अनचेंज मतलब अपरिवर्तित रही, कभी बदली नहीं। आवर सिविलाइजेशन इज द ओनली सिविलाइजेशन, यानी हमारी जो सभ्यता है वो मात्र एकमात्र सभ्यता, विश्व की एकमात्र सभ्यता है। इन द वर्ल्ड विच हैज नॉट लॉस्ट इट्स ग्लोरी, इसका मतलब हमारी सभ्यता विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसने विच हैज नॉट लॉस्ट इट्स लॉस्ट ईस्ट ग्लोरी, इट्स ग्लोरी, इट्स का मतलब यह होता है, ग्लोरी का मतलब गौरव या सुंदरता होता है, विच का मतलब जिसने, यानी भारतीय सभ्यता, हमारी जो सभ्यता है वो विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसने अपनी सुंदरता चाहे अपने गौरव को कभी खोया नहीं, बर्बाद नहीं किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो तीसरा पार्ट, पांच पार्ट में इसको बांटा हूं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, ठीक है ना, दो पार्ट मैंने आपको समझा। तीसरा देखो लिखा हुआ है, गांधी जी सेज, मतलब गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इन्फेरियर टू द इंडियन सिविलाइजेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मेट्रलिज्म एंड इमोरालिटी। समझो इसको, गांधी जी कहते हैं, है ना, गांधी जी से, यानी गांधी जी कहते हैं कि यह जो पश्चिमी सभ्यता है ये इन्फेरियर का मतलब नीच, कुत्ता, कमीना, गीरा इसको कही जाती है, ठीक है ना, यानी गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता नीच है, किससे, तो भारतीय सभ्यता से नीच है, यानी गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से इन्फेरियर, नीच है, मतलब गिरा हुआ है, ठीक है ना, बिकॉज, क्योंकि यह, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मेट्रलिज्म एंड इमोरालिटी, क्योंकि यह जो है ना, यह मेट्रलिज्म मतलब भौतिकवाद और अनैतिकता पर आधारित है, यानी जो पश्चिमी सभ्यता, जो यूरोपीय लोग हम लोग देश को गुलाम बनाए थे, उनको महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं ये हमारी सभ्यता से नीच है, क्यों, क्योंकि ये अध्यात्म पर आधारित होता है, ये भौतिकवाद पर आधारित होता है। देखो यहां पर मेट्रलिज्म का मतलब भौतिकवाद, इमोरालिटी का मतलब अनैतिकता, यानी यह भौतिकवाद और अनैतिकता पर आधारित होता है, कौन, पश्चिमी सभ्यता। आगे कहते हैं ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी ओर, ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड मोरालिटी। इसका कहने का मतलब होगा कि दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी ओर भारतीय सभ्यता, देखो ध्यान दे, ध्यान से समझे, दूसरी ओर भारतीय सभ्यता स्पिरिचुअलिज्म, देखो स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब अध्यात्म, अध्यात्म और नैतिकता पर आधारित है, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वो इमोरालिटी और साथ में मेट्रलिज्म पर आधारित है, मतलब अध्यात्म और अनैतिकता पर आधारित है, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, वो अध्यात्म पर और नैतिकता पर बेस्ड मतलब आधारित है। आगे लिखा द इंटेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलिवेट द मोरल बींग्स वाइल द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरालिटी। इसका मतलब समझो ध्यान से, कहने का द इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब उद्देश्य होता है, इंटेंशन का मतलब उद्देश्य, यानी कहने का क्या मतलब है बाबू, समझना कि इंटेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता का उद्देश्य है क्या, उद्देश्य भारतीय सभ्यता का उद्देश्य है कि नैतिकता को क्या करना, इलिवेट, यानी नैतिकता को बढ़ावा देना, इलिवेट का मतलब होता है उठाना या बढ़ावा देना, यानी भारतीय सभ्यता का इंटेंशन मतलब उद्देश्य है कि जो मोरल, जो नैतिक है, नैतिक जो आचरण है उसको क्या करना, बढ़ावा देना, ये भारतीय सभ्यता का उद्देश्य है। और उसके बाद है बीइंग व्हाइल द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरालिटी, लेकिन जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिकता का प्रचार करती है, प्रोपेगेट का मतलब प्रचार करना चाहे अफवाह फैलाना, ये होता है, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यताएं हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि नैतिकता को बढ़ावा देना है, लेकिन पश्चिमी सभ्यताएं मात्र अनैतिकता को प्रचार करती है, चाहे अनैतिकता का बढ़ावा देने का काम करती है। इतनी समझ में आ गई। अब चलो चौथा पार्ट हम लोग समझते हैं, एक एक चीज समझना है, वर्ड मीनिंग याद नहीं कि सब समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना, मेरे अनुमान से आपको समझ में आ रही होगी। देखो चौथी बात है, गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, यानी गांधी जी कहते हैं
कि माइंड, देखो माइंड का मतलब दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पर माइंड का मतलब हम लोग गांधी जी मन लेकर चले तो मन ही मानकर चलेंगे। गांधी जी कहते हैं कि मन जो है ना रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस का मतलब बेचैन और बर्ड का मतलब पक्षी, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो मन है ना ये क्या एक बेचैन पक्षी है, इसलिए मन पर काबू करके रखो। देखो बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होती, निर्भर का मतलब कभी नहीं, यह कभी नहीं संतुष्ट होती है, मन कभी संतुष्ट होने वाली है, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, कल वो चाहिए कल वो चाहिए कल वो चाहिए, ये चीजें मन होती है। तो गांधी जी अपने मन पर काबू करने की बात बोलते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होती, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड। कहने का मतलब यह जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है, जितना अधिक इसको सुख देंगे उतना अधिक ये चाहता है, एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी यह असंतुष्ट रहती है, जितना अधिक चाहेगा उतना अधिक, जितना अधिक पाता उतना अधिक ये चाहता भी है और जितना मिलता है उससे भी यह असंतुष्ट रहता है। आगे टू बी अनहैप्पी और टू बी हैप्पी और अनहैप्पी डिपेंड्स ऑन आवर माइंड्स। कहते हैं कि टू बी हैप्पी यानी खुशी और अनखुशी, यानी खुशी और दुखी, ये मनुष्य का मन पर डिपेंड करता है। मनुष्य मन में अगर दुख लेकर बैठा तो दुखी है, खुश लेकर खुश है तो वो खुशी है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। टू बी हैप्पी और अनहैप्पी डिपेंड ऑन आवर माइंड, यानी अगर हम मन से खुश हैं तो खुश है, तो एक मनुष्य जो होता है ना वो खुश होगा या दुख होगा ये किस पर डिपेंड करता है, उसके मन पर डिपेंड करता है। वी हैव इंडलेस डिजायर्स एंड सच डिजायर्स, वी हैव इंडलेस डिजायर, देखो डिजायर का मतलब इच्छा होता है चाहे चाहत होता है, यानी वी है यानी हम लोग की जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं, इंडलेस का मतलब वो समाप्त नहीं होगी, इंड यानी उसका इंड नहीं होगा। कहने का मतलब क्या होगा बुआ कि वी हैव इंडलेस डिजायर्स एंड सच डिजायर्स मेक आवर माइंड रेस्टलेस। कहने का मतलब है कि हमारी देखिए यहाँ पर वी हैव इंडलेस यानी हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है, इंडलेस हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती है, और सच डिजायर यानी ऐसी इच्छाएं हमारे मन को क्या करती है, बेचैन बनाने का काम करती है, पागल बनाने का काम करती है, मतलब बनाना रेस्टलेस का मतलब बेचैन और माइंड का मतलब दिमाग या मन लेकर चले, मन ही लेकर चलेंगे। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा मन जो है कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है, और इसका इसकी जो सुविधाएं हैं मन की जो सुख है ये कभी इसकी अनंत होती है और इसका कभी इंड नहीं हो सकता है, और ऐसी इच्छाएं ही हमारे मन को बेचैन बनाती है, मतलब हमें असंतुष्ट करने का काम करती है। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, वांट का देखो वी का मतलब हम लोग, वांट का मतलब चाहना, यानी हम लोग अगर खुश रहना चाहते हैं तो वी शुड कीप अवे फ्रॉम वेल्थ एंड लग्जरियस, यानी अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं तो हम लोगों को किससे, वेल्थ मतलब धन और विलासिता, विलासिता से मतलब हो गया जैसे सेक्स ओक से, धन दौलत अधिक से अधिक कमाना, ये सब चीज से कीप अवे मतलब दूर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं, महात्मा गांधी, कि इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी यानी हम लोग अगर खुश रहना चाहते हैं तो वी शुड कीप अवे फ्रॉम वेल्थ एंड लग्जरी से, यानी धन और विलासिता से हमें कीप अवे दूर रहना पड़ेगा। बिकॉज दे डू नॉट मेक अस हैप्पी, बिकॉज का मतलब क्योंकि यह हमें खुशी नहीं देती है, क्यों विलासिता और धन दौलत कभी खुशी नहीं देती है, ठीक है ना। आगे देखो, ए रिच मैन मे बी अनहैप्पी इन हिज पैलेस वाइल ए पुअर मैन मैनी बी हैप्पी इन हिज कॉटेज। कहने का मतलब ए रिच मैन मतलब एक अमीर आदमी अनहैप्पी क्या होता है, हिज पैलेस का मतलब महल लेकर चलो, क्योंकि अमीर आदमी है तो महल होगा, ठीक है ना। तो एक अमीर आदमी अपने महल में भी क्या होता है, अनहैप्पी रहता है, क्यों, क्योंकि वो उसके पास विलासिता धन दौलत की वजह से मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता। वही बातें हैं कि ए रिच मैन मे बी अनहैप्पी इन हिज पैलेस यानी एक अमीर आदमी अपने महल में भी क्या होता है, अनहैप्पी दुखी रहता है, वाइल जबकि एक ए पुअर मैन यानी एक गरीब आदमी जो होता है ना कॉटेज मतलब अपनी कुटिया में भी क्या होता है, खुश रहता है, अपनी कुटिया में भी एक गरीब आदमी खुश रहता है। समझे, तो मन को काबू करके रखिए, धन दौलत से विलासिता से अपने आपको दूर रखिएगा, तो अगर कुटिया भी आपके पास है, आप महल वाले नहीं है, फिर भी आप क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। अब देखो इस सब का सारांश थोड़ा शॉर्ट में लिखा, थस का मतलब इस प्रकार, थस गांधी जी मींस टू से दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज मैचलेस, यानी इस प्रकार गांधी जी कहते हैं, से का मतलब क्या है, गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता मैचलेस मतलब अतुल्य है, इसको किसी से मिलाया नहीं जा सकता, भारतीय सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसकी तुलना कोई अन्य सभ्यता नहीं कर सकता, मैचलेस का मतलब अतुल्य। ही सेज दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर
टू एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि वह कहते हैं कौन महात्मा विशेष मतलब वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता विश्व की अन्य सभ्यता एनी अदर का मतलब क्या विश्व की अन्य सभ्यताओं में सुपीरियर मतलब सबसे अच्छा चाहे श्रेष्ठ है कौन महात्मा गांधी ने वह कहते हैं कि भारतीय जो सभ्यताएं हैं वो विश्व की अन्य सभ्यताओं से क्या सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ है। इट प्रमोट्स मोरल डेवलपमेंट एंड रियल हैप्पीनेस मतलब यह जो है ना मोरल का मतलब नैतिक डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास और वास्तविक खुशी को प्रमोट करने का काम करती है बढ़ाने का काम करती है यानी भारतीय सभ्यता जो ना वो क्या करती है नैतिक विकास और वास्तविक खुशी को बढ़ाने का काम करती है यानी दुनिया की सबसे मजबूत जो मजबूत आपका सिविलाइजेशन है वो इंडियन सिविलाइजेशन है। एक्चुअली इस चैप्टर को मैंने आपको विस्तार से एक एक चीज़ों को समझाई इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्लियरली ले सकते हैं बाबू आपके लिए बहुत काफी मेहनत करी जा रही है इस वीडियो को आप हर जगह आपकी तरफ फैलाएं।